कभी मुझे पीछे से आवाज नहीं देना, समझे? ओके अंकल, सॉरी अंकल, अब कभी आवाज नहीं दूंगा। अरे वार गिर रहा है। नहीं। ठीक से पकड़ियो, गिरने ना पाए। हाँ मामा, चलो तो सही। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आज बिजली आ जाए। देखिए ना, पता नहीं कैसे सामने का वायर टूट गया और ये बिजली चली गई। आज संडे है ना, बिजली घर में कोई फोन नहीं उठा रहा। सुना है जहाँ जहाँ बिजली जाती है वहाँ बहुत चोरियाँ हो रही है। शुभ शुभ बोल, शादी के सब जेवर घर में है। काश हमारे पास एक जनरेटर होता। अब चिंता मत करिए अंकल, आज बिजली आ जाएगी। ये लीजिए, ये आ गए भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष बाबा VIR। इमली जो बोलना है बोल लो, लेकिन दीदी की शादी धूमधाम से और पूरी रोशनी में ही होगी। ओए महान पुरुष, वादा तो कर दिया है, अब बिजली कहाँ से लाओगे? चलो चुटकी बजाओ और जिंटू को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ ठीक है, बोल। तुमने बुलाया और हम चले आए, काम क्या है ये तो बताएं। आज रात शालिनी दीदी की शादी है, पूरे इलाके में बिजली का बंदोबस्त करो। ओके बॉस। डांटते ही रहते हो। ये वीर क्या कर रहा है? जल्दी से खूब सारी कार की बैटरीज ले आओ। अभी ले आता हूँ। समझ आएगा चलबुल को। कितना भारी है। चिंटू तुम जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हो, है ना? चिंटू अब वायर ला और सब बैटरीज को जोड़ दे। हाँ। ये लो बॉल। अब इसे बिजली के पोल से जोड़ दो, फिर मैं ये बटन दबाऊंगा और हर घर में बिजली आ जाएगी। ओके बॉस। अभी लो। क्या कर दिया? सॉरी।
सच का भूत बना दूं। मजा आ गया, कैसे डर के भाग गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ रोशनी नहीं ला पाया तो दीदी की शादी खराब हो जाएगी। रोशनी लाना कौन सा मुश्किल काम है, रोशनी अभी लो। रोशनी बॉस, रोशनी चांद जैसी रोशनी रात में हो ही नहीं सकती। चांद नीचे आ गया तो लोगों को कैसे समझाएंगे? अपनी असलियत तो मैं लोगों को बता नहीं सकता, तुम्हारी असलियत कैसे बताऊंगा? वीर बचाओ, मुझे चंदा मामा के पास नहीं जाना है। अब जो करना है मैं ही करूँगा, तुम जाओ और चुलबुल को लेकर आओ। ठीक है बॉस। अगर ये नीचे गिरा वायर ऊपर जुड़ जाए तो बिजली आ जाएगी। ये क्या? ये कैसे हो रहा है? शुक्र है ऊपर वाले का जो बिजली आ गई। वीर ने ठीक कहा था कि बिजली आ जाएगी। मम्मी, क्या हो गया है? तू ठीक तो है ना? मम्मी, कुछ बकेगा भी? देखो क्या? देखो, अरे रुक दो। चुड़ गया। वीर, इमली ने बताया कि तुमने बिजली वालों को बुलाकर बिजली ठीक करवा दी। थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम आंटी। वो देखो बारात आ रही है। थैंक यू वीर। आंटी थैंक यू की क्या जरूरत है, मेरी दीदी की शादी तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। वीर, मैनी मैनी थैंक्स। तुम सिर्फ नाम के ही नहीं सचमुच वीर हो। चलो बारात आ गई है, चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। लगता है बंटी ने भी कुछ देख लिया है, उसे संभालना होगा। जो मैंने देखा वो
अगर बंटी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, वीर का असली चेहरा भूल के तू डॉगी जैसा हो जाए। अब बताएगा क्यों खींच कर बाहर लाया है? मैं कहाँ लाया हूँ, आप लाई है। ये भौं भौं क्या कर रहा है? अब बता भी दे वीर क्या कर रहा था। कान पकड़, कान पकड़ और घर चल। तेरा भौंकना अभी निकालती हूँ। चलो अब बारात को देखते हैं। खा लो, मैं बहुत सारे केले लाया हूँ। दादाजी आप गाजर नहीं लाए? सॉरी चुलबुल, मैं गाजर लाना भूल गया, शाम को गाजर ले आऊंगा। शाम को नहीं दादाजी, हम सब तो अभी गोवा जा रहे हैं, बस तो आने ही वाली है। हाँ दादाजी, कितना मजा आएगा, हम सब की फैमिलीज एक साथ गोवा जा रही है। लाइए दादाजी, केले मैं खा लेता हूँ। सड़क पे केले के छिलके फेंकना गलत बात है, कोई फिसल के गिर गया तो? चलो उठाओ सब छिलके। अजी सुनते हो बंटी के पापा, नाश्ता तो कर लो। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, गोवा जाते समय बस में खाने के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। क्या हो रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है, कार तो ले जाओ। भाई साहब आपको कहाँ जाना है? बस 2-4 किलोमीटर आगे उतर जाऊंगा। आइए। धन्यवाद। चुलबुल तुम ये क्या सूंघ रहे हो? इसकी पोटली में सांप की स्मेल आ रही है। क्यों अंकल, आपकी पोटली में सांप है क्या? अरे रुको रुको, मेरी टोकरी वापस करो। फिर इसमें क्या है? हाँ? इसमें तो सांप है। क्यों दे दी ये आफत की टोकरी? अरे रुको रुको, मेरी टोकरी वापस करो, रुको। तुम अभी इसी वक्त उतर जाओ, सांप लेकर सबको डरा रहे हो। इसमें सांप नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। रुक जाओ, पहले चेक करने दो कि इसमें सांप है या नहीं। देखा, मैंने कहा था ना इसमें सांप नहीं है। लेकिन सांप गया कहाँ, वो बस में ही भाग गया। सब बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, फिर सांप को पकड़ेंगे। जिंटू जिंटू उठो उठो और सांप पकड़ो जल्दी, बस में एक सांप है। ओके बॉस। सांप को बस से बाहर निकाल रहा हूँ बॉस, वो बीन की आवाज सुन के बाहर आ जाएगा। ओए, बाहर ये सपेरा कहाँ से आ गया? बाहर भी सांप, अंदर भी सांप, अब कहाँ जाए?
करके रखना अच्छी बात नहीं है। आप उसे छोड़ दो। आपको कोई टोकरी में बंद करके रखेगा तो कैसा लगेगा? वीर का चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। वो वीर का दोस्त कहाँ है? जिंटू का डुप्लीकेट। तुम मेरे साथ काम करोगे? हम रोज कई सांप पकड़ेंगे, हम लखपति बन जाएंगे। सांप या किसी भी जानवर को पकड़ना अच्छी बात नहीं। अरे चलो चलो, सब बस में बैठ जाओ, दिन भर यही नहीं रह सकते। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम जंगल में जाओ, अपने अपने घर। बारह बरसी खदन गया सी खड़के लिया आंदा आलू। सारे लोग का हट जाओ, सड़ा भंगड़ा हो गया चालू। आहू 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 आहू। कंडक्टर भाई, इधर आ, ब्रेक नहीं लग रहा। बस रुको जरा, मैं चेक करता हूँ। ओए बस भी नहीं रुक रही, ब्रेक भी नहीं लग रहा, अब क्या होगा? गियर भी चेंज नहीं हो रहा। मम्मे, बस नहीं रुक रही है, अब एक्सीडेंट होगा। मम्मे। क्या हुआ, बस रुक क्यों नहीं रही? लगता है अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, सारे कनेक्शन जल गए हैं। मुझे घर जाना है, घर चलो। चुप रहो बंटी। वीर, अब इन लोगों को बचाने के लिए तुम्हें अपने असली रूप में आना ही होगा। जाओ और बस को रोको। ओके दादाजी। जिंटू, मेरा एक डुप्लीकेट बना के यहाँ बिठा दो, जल्दी। ओके बॉस। मैग्नेटिक फील्ड। सड़क रोकी हुई है, अपनी अपनी सीट्स को कस के पकड़ लो, टक्कर होने वाली है। बचाओ।
ऊपर वाले ने बचा लिया। सब आराम से बैठ जाओ, जैसे ही इसका पेट्रोल खत्म होगा हम रुक जाएंगे। क्या इसका स्टीयरिंग जाम हो गया है? कुछ दूर पे मोड़ है, अब क्या होगा? वीर, सामने मोड़ आ रहा है और स्टीयरिंग जाम हो गया है, कुछ करो। ओके दादाजी। लड़का कौन है? ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता है जो हमें बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अरे अरे वो कहाँ गया? कौन था वो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ इमली, मैं ठीक हूँ। जिंटू, इस डुप्लीकेट को गायब कर दो जल्दी। नहीं रुको बंटी, सब भूल जा। नहीं भूलूंगा। भूल जा। नहीं भूलूंगा, सबको बताऊंगा। अगड़म बगड़म मालम फालम, या तुम्हारी खो जाए, मुर्गे जैसी याद हो तेरी, या तुम्हें ना कुछ आए। वीर, तुम नाम के ही नहीं सचमुच के वीर हो। पुराना किला। हाँ इमली, ये जगह बहुत सुंदर है। इस बार कैंपिंग में बहुत मजा आ रहा है। बच्चों, कल हम उस पुराने किले में घूमने जाएंगे। वहाँ मत जाना साहब जी, वहाँ मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ भूत रहता है। मेरे बच्चे भूतों से नहीं डरते, वो जानते हैं कि भूत हकीकत में नहीं होते हैं। क्यों बच्चों? यस सर। वो कैसी आवाज है? वो भूत है और आवाज उसके दोस्त भूतों की है। मैंने कहा था ना कि वहाँ भूत रहते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता, जरूर वहाँ कोई आदमी रहता होगा। यकीन ना हो तो हम तुम्हें अभी चल के दिखा देंगे, वहाँ भूत नहीं कोई और रहता है। क्यों बच्चों? यस सर। सर, रात में जाने से अच्छा है कि कल दिन में ही जाके सबको दिखा देंगे कि भूत नहीं होते। वीर डर गया, वीर डर गया। डरपोक डरपोक। वीर किसी से नहीं डरता। सर चलिए अभी चलते हैं उस किले में। क्यों वीर? मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन रात में उस किले में जाना ठीक नहीं होगा। हम स्काउट्स हैं, स्काउट्स कभी किसी से नहीं डरते। चलो हम अभी उस किले में जाके ये साबित कर देंगे कि भूत नहीं होते हैं। सर हम भी चले क्या? लेडीज टीचर्स यहीं रुके, कैंप में भी कोई होना चाहिए। ओके थैंक्स। मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं।
मुझे मालूम है वो चमगादड़ थे, मैं तो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। हम भी सर की हेल्प करने के लिए उनके साथ भाग रहे थे। देखा स्टूडेंट्स, भूत हकीकत में नहीं होते। तुम लोग जिस चीज से इतना घबरा गए वो सिर्फ चमगादड़ थे। वीर ने मुझे रोक नहीं लिया होता ना तो एक चमगादड़ पकड़ के तुम्हें दिखाता। खैर चलो चलते हैं आगे। हम इस तरह कब तक घूमेंगे? मैं आवाज देकर पूछता हूँ, यहाँ कोई है क्या? कोई है? अरे कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? अरे आवाज दो! है यहाँ पर? आवाज दो! ये कौन है? कक्कर सर, स्टॉप, प्लीज रुकिए, ये आपकी ही आवाज एको हो रही है। मालूम है, मैं भाग नहीं रहा था, मैं ये देखने जा रहा था कि आवाज कहाँ से एको करती है। बच्चों देखा आवाज कैसे एको करती है? ये कैसी आवाज है? ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मुझे टॉयलेट जाना है, मैं वापस टेंट में जा रहा हूँ। अगर आज ये लोग डर के नहीं भागे तो कल और लोग यहाँ आएंगे, फिर हम नकली नोट कहाँ छापेंगे? चलो इन्हें डरा के भगाते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ! सर, सर, उधर भूत लोग दीवार पे डांस कर रहे हैं। सर आप लोग सीधा जाइए, मैं भूत को देखता हूँ। ठीक है, तुम देखो और डरना मत, मुझे बुला लेना अगर डर लगे तो। वीर वो देखो, लगता है जिंटू को बुलाना ही होगा, अब इन नकली भूतों को असली भूत दिखाना ही पड़ेगा। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन, तक दिना दिन दिन। अरे जिंटू तुम चुलबुल को क्यों ले आए? वो घर में बैठा रो रहा था कि वीर अकेले कैंप में चला गया, इसलिए मैं उसे साथ ले आया। वीर अब बोलो क्या काम है, हम तुम्हारा कोई भी काम कर देंगे। यहाँ के भूतों को भगाना है। ढिंचक ढिंचक ढिंचक, ढांचो 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 ढांचो, जिंजिना जिन जिन जिना जिन जिन जिना जिन जानी, जल्दी से तो भूत भगा दे मेरी प्यारी नानी। इनको क्या हुआ? दोनों भूत भगाने का मंत्र पढ़ रहे हैं, दोनों को भूत से बहुत डर लगता है। जिंटू चुलबुल, यहाँ कोई भूत नहीं है, कुछ लोग हमें डरा रहे हैं। जिंटू तुम मुझे एक भूत जैसा रूप दे दो और उड़ने वाला बना दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। इमली तुम इन दोनों के साथ मेरे पीछे पीछे आओ। हेलो अंकल, आपका कठपुतली वाला शो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम कौन हो? मैं यहाँ का भूत हूँ और आप भी यहाँ के भूत हैं। हम सब साथ मिलके यहाँ रहेंगे अंकल। मैं हम लोग भूत नहीं हैं। हम साथ में नहीं रह सकते। नहीं नहीं। अंकल अंकल प्लीज रुकिए ना। और फिर एक बार मुझे सचमुच में भूत मिल गया। सचमुच में? यस। और मैंने उसका ऐसा हाल किया कि अरे डरो मत, भाग क्यों रहे हो? अरे मैंने तो उस भूत का ऐसा हाल किया कि कैसा? मैंने उसे पकड़ के पूरा हिला डाला। Hey!
हेलो अंकल। हेलो असली भूत। अंकल अंकल थैंक गॉड, मेरी बिरादरी का कोई तो मिला, अब हम साथ रहेंगे। नहीं नहीं, साथ नहीं रह सकते, ये तो असली वाला है। नकली रुपयों का क्या करें? समझ लो पुलिस ने रेड मार के पकड़ लिया है, जान बचाओ पहले। सब लोग रुक जाओ, पुलिस आने ही वाली है, उनका इंतजार करो। ये तो कोई मामूली लड़का है, मारो इसे। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस। हम इस नकली नोट बनाने वाले गैंग की बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। You are most welcome, sir. देखा बच्चों, मैंने कहा था ना, भूत नहीं होते हैं। अब इस बात को हमेशा याद रखना।